अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है और पाकिस्तान का सबसे कम उम्र नौजवान जो है वो मैदान में इलेक्शन के लिए उतार दिया है। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया खोलते हैं तो हमें एक नाम सुनाई देता है, माज महबूब। हम मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान बैठ रहे हैं तो हमें एक नाम सुनाई देता है, माज महबूब। हम मुख्तलिफ फोरम्स में बैठ रहे हैं, मीडिया वालों के साथ बैठ रहे हैं तो हमें मालूम हो रहा है कि एक नाम है जो इस वक्त बड़े चर्चे में है और वो नाम है माज महबूब। और माज महबूब 127 के हलके से जो है उम्मीदवार हैं और इस वक्त स्टूडियो में जो है वो मौजूद हैं। हम पहले तो ये जानना चाहेंगे माज महबूब, सबसे पहले तो हम वेलकम भी करेंगे और यकीनी तौर पे आप खुश भी होंगे, आपको टिकट मिला है एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से। मगर सवाल ये उठता है बहुत सारे लोगों के जहनों में कि इलेक्शन के टिकट पे बातें सुनाई दी जाती हैं कि जी करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, करोड़ों रुपए का टिकट हासिल पैसे दिए जाएं तो हासिल होता है। आपने कितने पैसे दिए? जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई, बहुत शुक्रिया अली भाई। बिल्कुल ऐसा नहीं है एमक्यूएम पाकिस्तान किसी वडेरे जागीरदार या गद्दी नशीन की जमात नहीं, वो मिडिल क्लास की रिप्रेजेंट जमात है और मुझे उन्होंने जो कैंडिडेट मुझे टिकट दिया है इसी बेस पर दिया है। और मेरा मास्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स किया हुआ है मैंने और एमक्यूएम इसी बेस पर टिकट देती है, पैसे और इस पर नहीं तोड़ती क्योंकि वडेरे जागीरदार की जमात नहीं है, वो पढ़ाई और एजुकेशन पीछे से बैकग्राउंड देख के वो टिकट देते हैं। तो माज महबूब देखे ना, आप तो अभी कुछ नहीं कर रहे, वालिद साहब कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, उन्होंने क्या पता पैसे जो है वो कहीं ना कहीं अरेंज कर दिए होंगे। नहीं नहीं भाई, वालिद साहब एक छोटी सी सरकारी मुलाजिम है, 11 ग्रेड के क्लर्क हैं। अच्छा जी, क्लर्क हैं वालिद साहब। बहरहाल ये बताएं इस वक्त अपनी हलके में किस तरह का मोमेंटम देख रहे हैं, किस तरह के मसाइल देखते हैं, किस तरह की उम्मीदें वाबस्ता है आपके जो हलके के लोग हैं। जाहिर सी बात है आप कैंपेन रन कर रहे होंगे, लोग तो यकीन भी नहीं कर रहे होंगे कि अरे इतना 26 साल का नौजवान ये हमारा उम्मीदवार है। जी अली भाई बिल्कुल ऐसा ही है, कोई यकीन नहीं कर रहा। अभी रिसेंट एक वाकया हुआ, मैं DC ऑफिस गया हुआ था किसी काम से अपने ऑब्जेक्शन वगैरह के स्कूल के, तो वो जो मौजूद थे वहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह वो यकीन नहीं कर रहे थे, उनको बोल रहे थे टिकट दिखाओ फिर हम वो करेंगे। अच्छा, उनको तस्वीर और वीडियो दिखानी पड़ी। बोला अच्छा, कराची के मसाइल तो अली भाई मैं उसी पे आ रहा हूँ। माज क्यों सोचा कि हम जब सियासी मंजरनामे को देखते हैं ना माज, तो जी, हमें बड़े बड़े लीडर्स के बच्चे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े सरमायादार जागीरदार के बच्चे दिखाई देते हैं और सियासी मंजरनामे में हम ये लैकिंग देखते हैं पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे में कि नौजवान मुतवस्सित तबके का जो नौजवान है वो अक्सर हमें बहुत पीछे दिखाई देता है, कारकुन लेवल के नारे लगाते दिखाई देता है, झंडे लगाते दिखाई देता है। तो क्यों सोचा, कैसे सोचा कि यार इस जगह जाकर असेंबली में जाकर आवाज़ बने, लोगों के मसाइल हल हो सके? बिल्कुल अली भाई, पाकिस्तान की शायद वाहिद जमात एमक्यूएम पाकिस्तान है। मैं कहता हूँ कोई भी जमात उठा लें सियासी जमात, उसमें ऐसा कोई मिडिल क्लास अब से नहीं, बेफर्ज जब से एमक्यूएम बनी उधर से देख लें आप और अब तक वही बरकरार रिवायत एमक्यूएम ने रखी हुई अपनी, कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है पूरे पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास और इतने कम उम्र के किसी को टिकट दिया। अगर आप जीत जाते हैं और 127 से लोग आपको वोट दे देते हैं और आप असेंबली तक पहुंच जाते हैं, तो किस तरह के मसाइल आपने देखे हुए हैं, किस तरह के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे, लोगों की उम्मीदें कितनी वाबस्ता हैं आपसे, उसके ऊपर भी ज़रा बात करें ना। जी अली भाई, मसाइल तो पूरे कराची में से मेरे हलके में नहीं है और लियाकताबाद का एरिया हम वैसे भी घूमें, वहीं की रिहाइश भी है मेरी, तो इतना कोई वो नहीं है। इंशाल्लाह हल्के में मसाइल हैं वो देख रहे हैं, बाइकों पे घूमते रहते हैं, हमसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जानता उस मसाइल को क्योंकि हम वहीं की रिहाइश हैं। क्योंकि माज देखें ना, बात यही होती है कि इस जगह पर लैकिंग के लोग कहते हैं कि देखें जी मैं बस में ट्रैवल करता हूँ ना तो मुझे पता है कि बस के मसाइल क्या हैं। बस से याद आया, पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध अपनी कैंपेन चला रही है, बसें कोई 300-400 बसें लेकर आ गई है वो कराची में और उसके ऊपर कैंपेन चला रही है। भाई 4 से 5 हज़ार बसों की ज़रूरत है, 300-400 बसें लाके कैपेसिटी थोड़ी पूरी होगी। 5 से 6 करोड़ की आबादी में 400 बसें लेकर आगे रोजाना तस्वीर लगाना है मेयर साहब भी पीपल्स पार्टी के बीच, यार ये जुल्म ना करें यार। आपने और क्या क्या देखा है? जो देखे ना, बात ये है कि फिर देखें माज, ये तो सारी चीजें होंगी रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगी, क्या समझते हैं लोग जो आपको वोट देंगे वो क्या समझते हैं, उनके किस तरह के मसाइल हल हो सकेंगे मुस्तकबिल करीब में? नहीं नहीं, इंशाल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तान बिल्कुल पूरे कराची देखे, तारीख गवाह है बल्कि अली भाई कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने ही कराची को रोशनी का शहर बनाया। 2005 से लेकर 2010 तक जो डेवलपमेंट हुई है, तारीख की डेवलपमेंट कराची में आज तक ऐसी डेवलपमेंट नहीं है मुस्तफा भाई के दौर में। तो इंशाल्लाह अभी भी इंशाल्लाह ये अजम से और ऐवान में जाके अपने मसाइलों को उजागर करेंगे, नौजवान है और वहाँ से हल नहीं हुए तो फिर इंशाल्लाह पार्टी के आदत पर फिर हमारे पास आखिरी वही फैसला होगा। थोड़ा सा ये भी बताएं, जब टिकट अनाउंस हो गया, टिकट मिल गया आपको, तो घर वालों के क्या तासुरात थे, घर वालों के साथ साथ दोस्तों के क्या तासुरात थे,
उनको उनके कैसे जज्बात देख रहे थे, उनके तासुरात कैसे देख रहे थे? भाई घर वालों की और तमाम दोस्तों, थोड़ा वाक्य बताए ना मुझे। देखिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ, टिकट मिल गया, मास को पता चल गया है टिकट मिल चुका है, वो घर के पास गया है, घर वालों के पास क्या था, अम्मा ने क्या देखा, बहन भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, है एक एक बड़ी चीज है ना, अचीवमेंट है। नहीं वो तो सब शौकी हो गए थे और उनको बात यह है कि एमकेएम पाकिस्तान मिडिल क्लास की वही बात जमात है, उनको था उम्मीद कि इंशाल्लाह एमकेएम पाकिस्तान ही देगी, लेकिन सबने बड़ी उम्मीदें लगाई हैं और यही कहा कि आपको काम करना है, वालिद साहब हों, दोस्त हों, और हल्के में सब मेरे साथ हैं इस वक्त, पूरी कैंपेन जो हम कर रहे हैं तमाम दोस्त भी हैं, यूनिट और सेक्टर भी, साथ साथ दोस्त भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये बताएं कि अक्सर ये शिकायत आती है कि बहुत सारे लोग हल्के में जो है वो लड़ रहे होते हैं इलेक्शन, मगर उनका इलाका कहीं और होता है। अच्छा फिर एक और मामला ये होता है कि वो इलेक्शन लड़ते हैं उसके बाद अपने हल्कों में नज़र नहीं आते, क्या आप भी ऐसा ही करेंगे? नहीं अली भाई बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। ब्लॉक याकतमंद नंबर ब्लॉक 3 में मैं रहता हूँ, वहीं का घर रिहाइश है, घर भी वहीं है, तो हम तो कहीं हल्के से कहीं नहीं जाएंगे, और बल्कि हम तो अपनी आवाम से यही वादा कर रहे हैं हल्के में रहेंगे इंशाल्लाह, हल्के में रहेंगे। जी जी, थोड़ा सा वसाइल देखें ना कराची को, जब हम डिस्कस कराची का, तो अली भाई तो आप इस शहर के अंदर बड़े हो रहे हैं, एक नौजवान अब असेंबली में अगर जाता है, हमारी तो दुआएं हैं कि एक नौजवान पढ़े लिखे तबका जाए, आपके जहन में इस वक्त कराची शहर के वसाइल और इसके मसाइल को लेके किस तरह का जहन इस वक्त बना हुआ है, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा। नहीं अली भाई कराची को तो पूरा परेशानियों से झगड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं है, गटर का पानी, और दूसरा एक और कम्युनिटी पुलिसिंग ही नहीं है, तमाम पुलिस गैर मुकामी जो एमकेएम मुतालबा करते हुए आ रही है अपनी। आज भी 2 दिन पहले ही मेरे हल्के में इरम बेकरी बड़ी मशहूर है, वहाँ पे एक बंदे को मार दिया, क्यों, 25 या 20 हज़ार के मोबाइल के चक्कर में। कोई पुलिस वाला कोई पुरसाने हाल नहीं है शहर का, कौन बोलेगा? जब जाओ आप FIR करवाने कुछ करवाने तो वो आपको पता ही रवैया, तमाम मीडिया तमाम लोग जानते हैं। इसके ऊपर भी देखें बात करेंगे उनको जाके, और अभी भी कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया भी लिखते हैं, हर जगह बोल रहे हैं, तो बस बहुत मसाइलों से झगड़ा हुआ, इंशाल्लाह कराची को अच्छा बनाएंगे। और 21 तारीख को एमकेएम पाकिस्तान का जलसा है, तो मैं तमाम लोगों को शिरकत से दरख्वास्त करूंगा, वही हमारे फ्रेंडम है, इंशाल्लाह वो शहरी सिंध की नुमाइंदगी, और आपको पता चलेगी एमकेएम वापसी अपनी पावर में आ गई, वापसी पावर में आ गई, तो हम देखेंगे भी। और यकीनी तौर पर हमें जो बड़ा एक है ना, देखे जब आप जा रहे होते हैं आप बताते हैं जी मैं उम्मीदवार हूँ, जी मैं 127 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, बहुत सारे लोग सीरियस भी नहीं ले रहे थे, थोड़ा सा ये बता सकेंगे आप कि जब इलेक्शन में आप अपने पेपर्स जमा कराने के लिए जा रहे थे तो उस वक्त लोगों से कोई ना कोई तो जानने वाला मिला होगा, बोला होगा भाई कहाँ यहाँ कहाँ, तो यकीनी तौर पर वो जमा कराने जा रहे होंगे, तो लोगों के तासुरात तो होते हैं ना, भाई तुम क्या कर रहे हो? जी अली भाई सब यही ना उम्मीद थे और बड़ा डिमोटिवेट कर रहे थे मुझे तो। अच्छा, अल्लाह की हार नहीं मानी और अल्लाह आपका बड़ा भरोसा था मुझे, तो बड़ा डिमोटिवेट करा सबने। बहुत सारे नौजवान माज आपको इस वक्त देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहोगे उनके लिए, क्योंकि आप एक यंग हैं, 26 साल की उम्र है, पाकिस्तान के सबसे कम उम्र इस वक्त उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और बड़ी मजबूत सीट है लियाकताबाद, और कौन कौन से हल्के आपके? नौतादाबाद, लियाकताबाद आ रहा है, फिरदौस कॉलोनी आ रही है, और रिजविया तक खज्जी ग्राउंड तक वो सारे आ रहे हैं, 2 UC नाजमाबाद की भी आ रही है। इधर के इस इलाके में आप घूमे फिरे हैं, इधर के ही रहे हैं, इस तरह के मसाइल क्या देखे आपने इधर, बिलखसूस इधर के लोग ज़्यादा मुतालबा किस चीज़ का कर रहे हैं, पानी का कर रहे हैं, सीवरेज का कर रहे हैं, लाइट? बात ये अली भाई पूरे कराची में बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें पानी बिजली गैस ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बंदा किसी और पे बात करेगा, हमें तो बत्तियों पे लगा दिया ना कराची, बिजली गैस और इन चीज़ों पे लगे रहे, हम तो ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ना लाहौर के ऑरेंज ट्रेन की बात कर रहे हैं, ना मेट्रो की बात कर रहे हैं, हम तो बात ही कर रहे हैं पानी गैस बिजली। अच्छा, अरे लाहौर में अंडर बाईपास तो देख लें आप जाके, कौन कौन से नाम दिए जा रहे हैं। माज बात यह है कि जब आप भी पाकिस्तान के दीगर शहरों में सफर करते होंगे, बिल्कुल, आप बहसियत यूथ भी बहसियत है, अब आप पॉलिटिकल वर्कर, एक इलेक्शन लड़ने बकायदा आपका एक बहुत अहम करियर जो स्टार्ट होने जा रहा है, हो चुका है, आप क्या समझते हैं दीगर शहरों में और कराची के अंदर क्या फ़र्क समझते हैं, क्या देखते हैं जब आप वहाँ इस्लामाबाद देखते हैं, लाहौर देखते हैं, फिर कराची को देखते हैं? अली भाई मैं छोटी सी बात करूंगा, कराची को बस तासुब की नज़र कर दिया है। अच्छा, यहाँ कुछ भी नहीं देने को, वसाइल बता रहा हूँ ना, कुछ भी देने को नहीं है मूड में, ये लोग तासुब की नज़र हो गई। ये क्यों सोच बन रही है एक नौजवान की कराची के, कि उसको सिर्फ तासुब की लपेट में बन रही है? अली भाई कराची के नौजवान और मसला हो, कराची के नौजवान की बिल्कुल सोच नहीं बनी, सरकारी नौकरी कराची के नौजवान के पास नहीं है, मास्टर्स किए हुए तमाम दोस्त, एक बंदा सरकारी नौकरी पे नहीं है भाई, तो मैं क्या सोचेगा मेरा नौजवान, वो मायूस ही होगा। मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जॉब नहीं मिली सरकारी यार, आपने नौकरी ट्राई की थी? सबने ट्राई की, सीवीज है सबके पास, आप समझते हैं कि नहीं दी जाती कोटा सिस्टम के तहत, और बस क्या बोले, एक रजिस्ट्रार और एक DC जब लगता है इस शहर से दूसरे शहर से आके, वो अरबों रुपए कमा के जा रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है शहर में यार। तो आप कैसे ठीक करेंगे माज महबूब, एक सवाल तो फिर ये भी उठेगा कि जब आप इलेक्शन लड़ेंगे, जब आप मैदान में जाएंगे, तो हम क्या देख रहे हैं कि क्या बातें होंगी इलेक्शन में,
अगर आप जीत जाते हैं और अपने नाम कर लेते हैं ये 127, फिर क्या बातें हम सुन रहे हैं असेंबली में, टेबल बज रहेंगी, सिर्फ बातें होंगी या काम भी होगा हल्के में? अली भाई, सब रिकॉर्ड हो रहा है आवाज में। नहीं अली भाई, इंशाल्लाह असेंबली में जाके तमाम जो बातें कर रहा हूँ वही असेंबली में जाके बातें और आवाज उठाऊंगा अपने हल्के की, आवाम की। जितने मसाइल हैं शायद मेरे हल्के नहीं, पूरे कराची के मसाइल। अच्छा, एक सवाल और भी ले लेते हैं माज़ महबूब से। माज़ महबूब, मुझे ये भी बताइएगा, लोग कहते हैं कि भाई बड़ी गाड़ियों वाले जो है वो सिर्फ इलेक्शन लड़ते हैं, अभी आपके पास कौन सी गाड़ी है? ताकि फिर देखें ना, अगर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होता है ना कि फिर लोग फिर वीगो डालो में आ जाते हैं, लोग कहते हैं यार मैं तो देखें ये था और फिर आप वीगो डाले में, तो आप मुझे बताएं अभी इस वक्त आपके पास कौन सी गाड़ी है जो इस्तेमाल कर रहे हैं? अली भाई, मेरे पास तो अपनी गाड़ी नहीं है। अच्छा, साहब की भी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ, कल्टस बस उसी में घूम रहे हैं, बस मेरे पास अभी नहीं है। 70 बाइक आप देख रहे हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ, देखें ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर होना चाहिए। मेरा बताने का, मैंने काफ़ी दिन इसको कॉल की माज को और माज से मैंने रिक्वेस्ट की कि माज आप आए, मैं आपको, आप क्या सोचते हैं, आप जैसे नौजवान क्या राय रखते हैं, मेरे प्रोग्राम में बैठे मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर मौजूद और बिलखसूस इस पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का नौजवान आज इलेक्शन लड़ने जा रहा है, पाकिस्तान का कम उम्र पूरे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक 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 मुनफरद चीज़ है, जिसके ऊपर मैंने सोचा कि आज माज़ महबूब को जो है वो इनवाइट करूं अपने प्रोग्राम में और इनसे गुफ्तगू करूं कि इनका विजन क्या है, सोचते क्या है, क्या मसाइल है। जिस तरह माज़ बता रहे हैं ना कि इस शहर के अंदर बड़े मसाइल हैं, ये 26 साल के नौजवान की ये सोच ऐसे नहीं बनी, बहुत सारी तकलीफें यकीनी तौर पे सामने आती हैं, देखी जाती हैं, उसके बाद ये तकालीफ जब एकदम से पक्की हो जाती हैं और बन जाती हैं तो उसके बाद ये सोच बनती है। सोच को कैसे ख़त्म किया जाएगा? माज़ महबूब, क्या समझते हैं आप जैसे नौजवान ना उम्मीद ना हो, आप जैसे नौजवान उम्मीद जो है वो सामने रखें और आगे बढ़ता देखें, चीज़ों के अंदर बेहतरी लाएं, आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए, रियासत को कहाँ क्या काम करना चाहिए, आप क्या समझते हैं कि वसाइल की तकसीम किस तरह होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं कि नौजवानों पर, क्योंकि बातें नौजवानों की हर कोई करता है, इस पर सियासत हो रही है, होती आई है सियासत नौजवानों पर, आज की तारीख में भी नौजवानों की बात हो रही है और ये बोला जाता है कि पाकिस्तान में अक्सरियत नौजवानों की है, दूसरी कोई पार्टी आपको नज़र आ रही है सियासत सियासी मंजरनामे में जो इस तरह नौजवानों को आगे कर रही है, आपकी क्या राय है, या सिर्फ आपकी की पार्टी को क्रेडिट देंगे आप एमक्यूएम को? ये तो आपके सामने अली भाई, आप बता दें कोई पाकिस्तानी कोई सियासी जमात ने? अच्छा, वो बहुत सारी सियासी जमातें भी तो नौजवानों को जो है वो दे तो रही हैं, टिकट्स दे रही हैं, मगर कम उम्र तरीन जो है वो आप भी सही है, वो सरमाया देते हैं अली भाई, बिल्कुल दे रही हैं, वो सरमायादार बड़े बड़े लोगों के बेटे हैं। अच्छा, वाले साहब सरकारी मुलाजिम है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, बड़े खानदान से। अब मुझे बात बताएं ना, फिर मसला क्या है माज़ महबूब, अब तो आपके पास सरमाया नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, ये जो पॉलिटिक्स है ये एक महंगी है, इसको करने के लिए बड़े पैसे चाहिए होते हैं, बड़ी कैंपेन्स के लिए बड़े प्रिंटिंग वालों को पकड़ना पड़ता है, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगवाने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी मुहिम चलाने के लिए, लोगों को एंगेज करने के लिए पेट्रोल, तो ये एक लोअर मिडिल क्लास आदमी कैसे करेगा ये मैनेज? ये सवाल तो है ना, फिर आप कैसे करेंगे मैनेज? अली भाई, मैं मैनेज नहीं करूँगा, मेरी पार्टी एमक्यूएम पाकिस्तान इसने मुझे मुंतखब किया है, वही सब चीज़ें देख रही है, वो सारी चीज़ें देख रही है, कैंपेन में क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ जा रहे हो, कैसे कैसे तासुरात मिल रहे हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर ही बताओ। अली भाई, कैंपेन में हम कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से मिलना है, जाके लियाकताबाद के, और बड़ा अच्छा है, नाजमाबाद में भी गए। माज़ जैसे बताना, लोग बड़े नाउमीद हैं कराची के, माज़ बहुत नाउमीद हैं, बहुत तकलीफ में है, जब जाते हो तो बातचीत क्या करते हैं, बोलते क्या हैं, किस तकलीफ का इजहार करते हैं? बिल्कुल अली भाई, बहुत नाउमीद है, 15 साल सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के अली भाई, 15 साल से शहर में कोई काम नहीं हुआ तो लोग क्या नाउमीद ही होंगे, लेकिन इंशाल्लाह उन्होंने एमके पाकिस्तान से उम्मीद लगाई है इस बार और हम अपनी उम्मीद पे पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। कुछ बताओ ना कि कुछ क्या बोलते हैं एमके के नुमाइंदों को, भी कहीं ना कहीं तनकीद का भी निशाना बनाते होंगे, सच्ची बातें थोड़ी सी करते हैं ना आज इस प्रोग्राम में, लोगों के भी तो तासुरात है ना, लोग भी तकलीफ में हैं माज। बिल्कुल, लोगों ने एक अरसे एमके पाकिस्तान को वोट दिया, उनके वो नतज उनको नहीं मिल सके तो वो शिकवे शिकायत तो करेंगे ना, वो कहेंगे ठीक है यार आप हमारे अपने जो बातें बातें चलती हैं इसी तरह की, मगर देखें आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तकलीफ का इजहार तो इलाका मकीन और शहरी। अली भाई, 18वीं तरमीम के बाद इस सिंधी गवर्नमेंट में मगरमच्छ बैठ गया, कुछ भी रिलीज नहीं करते थे ना, लोकल गवर्नमेंट को फंड दिए, जब मेयर हमारे वसीम अख्तर भाई थे कोई फंड, कोई इख्तियार, कोई फंड, कुछ नहीं। तो जब नॉक करते हैं दरवाजे से निकलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या जवाब आता है? तो डोर टू डोर जब हम कैंपेन कर रहे हैं, लोग बड़े अच्छा, हम मुझे देख के बहुत उम्मीद लगा रहे हैं मुझसे और एमके पाकिस्तान से भी, कि यार नौजवान को टिकट दिया और इंशाल्लाह मैं उनसे यही और उम्मीद मेरी भी यही है कि मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा और इंशाल्लाह ऐवानों तक उनकी आवाज़ पहुँचाऊँगा, क्योंकि एमके पाकिस्तान का
मकसद ही यही है, मिडिल क्लास की आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाना। और हमसे दुख दर्द मिडिल क्लास का कोई नहीं जानता, हम इंशाल्लाह ऐवानों में आवाज़ पहुँचाएंगे और इंशाल्लाह अपने हलके को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा अपने अहले खाना के हवाले से बताओ, रिश्तेदारों के हवाले से बताओ, उनका क्या बैकग्राउंड है, वो क्या करते हैं। और बिलखसूस देखिए, जब आप इस पॉलिटिक्स को, तो डर्टी पॉलिटिक्स कहा जाता है पाकिस्तान में, वालदेन ये बोलते हैं कि भाई पार्टी से दूर रहो, सियासी निज़ाम से ही दूर रहो, जहाँ ये सोच है तो फिर आपके वालदेन ने कैसे आपको इधर इधर इजाज़त दे दी कि जाओ तुम नामजद जो आपके कागजात हैं नामजदगी वो भी जमा कराओ, इलेक्शन का टिकट भी अब मिल चुका है, अब लड़ भी रहे हो। यहाँ तो नहीं देखते हो कि पॉलिटिकल निज़ाम, सियासी निज़ाम के अंदर लोग कहते हैं नहीं 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 ये बहुत गंदी सियासत है, सियासत ही गंदी है, मत जाओ चाहे कोई भी पार्टी हो। नौजवानों को तो साइड कर दिया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं भाई एडमिशन दिला दिया आपका, तलबा तंजीमों में आपने ना शरीक नहीं होना है किसी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, ये बोला जाता है, कहीं ना कहीं फॉर्म जमा करवाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो आपको ये कैसे जहन में आया कि यार नहीं थोड़ा सा सियासत भी करनी चाहिए? नहीं अली भाई, एम क्यू एम पाकिस्तान कोई सिस्टम वाली जमात नहीं है। तो जब मेरे वालदेन को चलाना है एम क्यू एम पाकिस्तान की तरफ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह नॉमिनेशन जमा करा रहे हो तो सौ बिस्मिल्लाह आप जाएँ। उसने हमेशा मिडिल क्लास को एम क्यू एम पाकिस्तान ने सामने लाए और सब लेकर आएगी। तो उस वजह से मेरे वालदेन ने मुझे बिल्कुल भी नहीं करा और दोस्त वगैरह सब मुझे ये अप्रिशिएट ही कर रहे थे क्योंकि एम के पाकिस्तान को सिस्टम नहीं चलाती, कोई सिस्टम वाली जमात नहीं है। अच्छा, अब मेरा आखिरी सवाल है माज महबूब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम भी दिया और आए और अपने इजहार कर रहे हैं, मसाइल बता रहे हैं माज महबूब, मोटिवेटेड लग रहे हैं मुझे, है कि हमारी दुआ है आप जाएं, आप जैसे नौजवान जाएं असेंबलियों में, वो जाए जिसने तकलीफ़ सही है इन्हीं सड़कों पे बसों में गुजरा है, वो नौजवान जाएँ जिन्होंने मोटरसाइकिलों पर धक्के खाए हैं, वो नौजवान जाएँ जिनके मोबाइल फ़ोन, जिन्हें उनको पता हो कि कितनी तकलीफ़ होती है दूसरा मोबाइल फ़ोन लेने के लिए कितना वक्त चाहिए होता है, एक मिडिल क्लास एक लोअर मिडिल क्लास के जो एक आम मसले हैं, पानी नहीं आता तो उसको किस तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, गटर का पानी आ रहा होता है तो उसको किस तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, इलाकों के क्या मसाइल हैं, बिजली पानी ये तकलीफ़ दे मसाइल से जब एक आम आदमी गुजरता है तो वो ही जान सकता है कि उसके मसाइल क्या है। अपने जैसे नौजवानों को क्या कहोगे, ऑन स्क्रीन बताओ, क्या अपील करोगे, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आए क्या बोलोगे, क्या अपील करोगे? मैं तमाम नौजवानों से यही अपील करूँगा, पॉलिटिक्स में आए किसी भी जमात से, आप कहीं से भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन सियासत में आए, नौजवानों का ही काम है अब सियासत में, क्योंकि हमसे बेहतर अब हमारे बड़े नहीं जानते जो बड़े हो गए 70 साल प्लस, अब हमें ही आना पड़ेगा इस पाकिस्तान को बचाने के लिए। और अगर इस शहर से हैं तो प्लीज़ एमकेएम पाकिस्तान में आए, एमकेएम पाकिस्तान का आप सामने बैठा हूँ मैं, आपके कोई वो ढुका छुपा नहीं कि किसी को दे दिया, आपके सामने मैं बैठा हूँ, आए नौजवानों से मैं अपील करता हूँ एमकेएम पाकिस्तान में शमूलियत करें, APMS में शमूलियत करें, हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें शमूलियत करें। आप अपने आप को मुस्तकबिल करीब में कहाँ देख रहे हो? आखिरी सवाल, उसके बाद हम नाज़रीन ब्रेक पे जाएंगे। अली भाई, मैं इंशाल्लाह मुस्तकबिल में अपने हलके में ही देख रहा हूँ। अच्छा। अपने आवाम में, लोगों में देखूंगा अपने आप। बहुत शुक्रिया माज महबूब, आपने वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो आए और हमसे बहुत ही बेहतर अंदाज में बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक पर जाने का, ब्रेक पर जा रहे हैं और फिर हाजिर होते हैं।